हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में अपने कर रहे हैं हमारी ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर एनालिसिस की सीरीज़ का अगला पात्र, और वो है सर टॉबी बेल्क। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ सर टॉबी बेल्क। ही इज़ ड्रिंकिंग एंड ही इज जस्ट फॉर लाइफ। हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ा ड्रंकर्ड था, शराबी था, और ही इज जस्ट फॉर लाइफ। जस्ट का मतलब होता है उत्साह, उमंग, तो लाइफ के प्रति उसकी उमंग। तो दो उसके खास कैरेक्टर के खास उसके पॉइंट हैं, एक तो वो शराबी है और दूसरा लाइफ के प्रति बहुत ही उत्साही है। पढ़ते हैं, सर टॉबी बेल्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स इन दिस प्ले, चीफली बाय वर्च्यू ऑफ हिज विट। तो विट का बड़ा यूज़ हो रहा है। विट का मतलब होता है हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी। तो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स है, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर में से एक है लेके, यानी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। ही इज हार्टी फेलो, फुल ऑफ जेस्ट फॉर लाइफ, हाई स्पिरिट्स एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फन एंड मैरी मेकिंग। तो देखिए, सारी चीज़ें पॉजिटिव बताई गई हैं। हार्टी है, बड़े दिल वाला है, फुल ऑफ जेस्ट है, उत्साह से भरपूर है लाइफ के प्रति, हाई स्पिरिट्स हैं उसकी, मतलब उत्साह है, अच्छे उसके लाइफ के प्रति अच्छे विचार हैं, एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फन, और फन और मैरी मेकिंग का बड़ा शौक़ रखता है, आनंद और मस्ती का उसका एटीट्यूड है। तो कुल मिला के ये प्ले का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन ही जाता है, क्योंकि ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी है और ये कॉमेडी के लिए ऐसे पात्र होने बहुत ज़रूरी हैं। सर टॉबी बेल्क, ही ड्रिंक्स हैविली एंड लाफ्स जॉयसली। बहुत ज़्यादा पीता है, बहुत हंसता है। ही इज़ ए फर्टाइल विट, तो उसकी विट बड़ी फर्टाइल है, यानी उसकी हाजिर जवाबी, उसकी बुद्धिमानी बड़ी उर्वरक है। ही टेक्स ग्रेट प्लेजर इन सब्जेक्टिंग अदर्स टू हिज सरकेस्टिक रिमार्क्स। सरकेस्टिक रिमार्क्स होते हैं व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ, दूसरों पे वो कमेंट मारता है बहुत ज़्यादा। व्हेन ही वी फर्स्ट मीट हिम ही इज़ कंप्लेनिंग अबाउट हिज नीस ओलिविया। अब हमें पता लगता है कि वो ओलिविया का चाचा है। तो जब हम सबसे पहले हमारा प्ले में उसका इंट्रोडक्शन होता है, तो वो अपनी नीस ओलिविया से कंप्लेन कर रहा होता है, ओलिविया के एक्सेसिव ग्रीफ का कंप्लेन कर रहा होता है। हम जानते हैं कि ओलिविया का ब्रदर मर जाता है और ओलिविया डिसाइड करती है कि वो ज़िंदगी में अब कभी शादी नहीं करेगी और अकेली रहेगी। तो वो उस बात की कंप्लेन करता है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीफ कर रही हो। एक्सेसिव ग्रीफ का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा दुख मनाना। किस पर? ओवर द डेथ ऑफ हर ब्रदर। दिस इज़ हाउ क्रिटिसाइज ओलिविया फॉर फीलिंग टू ग्रीव्ड। बहुत ज़्यादा जब वो दुखी फील करती है ओलिविया, तो वो इन शब्दों में उसको क्रिटिसाइज करता है, उसकी आलोचना करता है। व्हाट ए प्लेग मीन्स माई नीस टू टेक द डेथ ऑफ हर ब्रदर दस, कि किस तरह से उसके भाई की जो मृत्यु है उसने मेरी नीस को परेशान किया है। व्हाट ए प्लेग, प्लेग होता है परेशान करने वाली कोई चीज़। आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ। तो वो कहता है कि मुझे पक्का यकीन हो गया कि जब केयर जब हम किसी की करते हैं तो एक तरह से हमारी दुश्मन हो जाती है, यानी जब हम किसी की ज़रूरत से ज़्यादा केयर करते हैं तो वो एक्चुअल में हमारी दुश्मन होती है वो चीज़, वो केयर करना। क्योंकि जब वो आदमी बिछड़ जाता है जिससे हम जरूर से ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वो बिछड़ जाता है तो हमारी जो लाइफ होती है एकदम ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे कहता है कि किसी की ज़्यादा केयर करना भी अच्छी चीज़ नहीं है। हियर स्पीक्स ए मैन हु लव्स लाइफ एंड वुड नॉट लाइक द जॉय ऑफ लाइफ टू बी मार्ड बाय एनी काइंड ऑफ केयर और एंग्जाइटी। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो एक इस तरह का आदमी है जो कभी भी यह नहीं चाहता कि लाइफ का जो जॉय है, लाइफ का जो इन्जॉयमेंट है, वो कभी किसी चिंता से या किसी की केयर करने से लाइफ का एंजॉय मार्ड ना हो जाए, यानी कम ना हो जाए। तो वो एक बड़ा ही मतलब मस्ती पसंद इंसान है। तो वो चाहता है कि किसी की भी इतनी केयर भी नहीं करनी, इतनी चिंता भी नहीं करनी कि खुद की लाइफ का एंजॉयमेंट ख़राब हो जाए। व्हेन मारिया टू होम ही हैज़ स्पोकन इन दिस मैनर कंप्लेन्स दैट ही ड्रिंक्स टू मच, ही मेक्स द फॉलोइंग रिप्लाई विच नॉट ओनली शोज़ हिज लव फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो हिज लव फॉर लव ऑफ लाइफ। तो जब मारिया, जिससे वो इस तरह से बात करता है, जिसको वो इस तरह की बातें बताता है, तो वो कंप्लेन करती है कि वो बहुत ज़्यादा पीता है। तो वो इन नीचे जो लाइनें हैं, इन शब्दों में वो उसको बताता है कि किस तरह से वो ड्रिंकिंग को प्यार करता है और लव यानी लाइफ को लव करता है, लाइफ को प्यार करता है। तो ही मेक्स इट सीम्स दैट ही इज़ स्पीकिंग एज द लविंग अंकल ऑफ ओलिविया। और वो ये भी शो कर देता है कि वो एक ओलिविया के अंकल के रूप में बोल रहा है। क्या बोलता है? आई गेट ड्रंक नाइटली विद ड्रिंकिंग हेल्थ टू माई नीस। आई विल ड्रिंक टू हर एज लॉन्ग एज देयर इज ए पैसेज इन माई थ्रोट एंड ड्रिंक
इन इलेरिया, तो क्या कहता है कि मैं पीता रहूँगा जब तक मेरे गले में रस्ता है और मैं अपनी नीस के लिए पीता हूँ, उसको मैं खुश देखना चाहता हूँ। ही इज़ ए कोवर्ड एंड ए पोस्टरल दैट विल नॉट ड्रिंक टू माई नीस टिल हिज ब्रेन टर्न ओवर द टो लाइक ए पेरिस्टॉप। तो वो अपने पीने को तरह तरह से जस्टिफाई करता है इस मैनर्स में। द स्पीच ऑल्सो शोज दैट सर टोबी हैज़ ए पिक्चर्स मैनर ऑफ स्पीकिंग। तो ये जो ऊपर वाली स्पीच है ये भी शो करती है कि टोबी को बोलने के भी बड़े अच्छे अच्छे तरीके आते हैं, यानी एक बड़ा ही वाचाल आदमी है वो। हिज गलिंग ऑफ सर एंड्रयू, अब एंड्रयू को वो गल करता है यानी मूर्ख बनाता है। एंड ही जीनियस फॉर कॉमिक इंट्रीग, और कॉमिक इंट्रीग के प्रति भी उसका जो बुद्धिमानी है वो शो होती है हमें। वो जीनियस है कॉमिक इंट्रीग करने में, इंट्रीग होता है षड्यंत्र, मस्ती भरे षड्यंत्र करने में भी वो जीनियस है। सर टोबी इज ए सॉर्ट ऑफ पैरासाइट हु फील्स एंड ड्रिंक्स एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। टोबी एक इस तरह का आदमी है जो दूसरों की कीमत पर पीता है। बट ही हैज़ नो इनहिबिशन इन दिस मैटर, और इस मैटर पर कोई इनहिबिशन भी नहीं रखता, कोई हिचक भी नहीं रखता, वो छुपाता भी नहीं ये चीज़ें। एंड नो सेंस ऑफ शेम, और कोई शर्म भी नहीं करता। ही लिव्स एज ए परमानेंट गेस्ट टू हिज वेल्दी नीस, अब वो अपने नीस के घर में परमानेंट गेस्ट के रूप में रहता है, उसकी नीस बड़ी वेल्दी है ओलिविया। एंड ही ड्रिंक्स एट द कॉस्ट ऑफ सर एंड्रयू, और वो सर एंड्रयू की कॉस्ट पर पीता है यानी एंड्रयू के पैसों से पीता है। हु इज़ ए वेल्दी बट फुलिश नाइट, वो एक धनवान है, धनवान नाइट है परंतु फुलिश भी है। फ्रॉम द कंट्री साइड, गाँव की साइड से, कंट्री साइड का मतलब गाँव का है, कोई नाइट है, योद्धा है। सर टोबी हैज़ गिवन सर एंड्रयू द इम्प्रेशन दैट द लेटर कैन विन द हार्ट ऑफ ओलिविया। अब टोबी उसको किस तरह से मूर्ख बनाता है एंड्रयू को, कि ओलिविया उससे प्यार करती है, वो ओलिविया का दिल जीत सकता है बाई वूइंग हर। वूइंग हर का मतलब उससे विनती करके या उसके पीछे पड़ के। जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मनाता है प्यार करने के लिए तो उसको इंग्लिश में कहते हैं वू करना, बाई वूइंग हर। तो वो कहता है कि उसके पीछे पड़ के वो उसको जीत सकता है, दिल जीत सकता है। देन ही कैन मैरी हर टू, दैट ही कैन देन मैरी हर टू, तो बाद में उससे वो शादी भी कर सकता है। तो इस तरह से वो एंड्रयू को मूर्ख बनाता है, हालांकि उसको पता होता है कि ओलिविया एंड्रयू से कभी शादी नहीं करेगी। सर एंड्रयू हैज़ ऑलरेडी स्टेड लॉन्ग इनफ इन द टाउन वेटिंग फॉर ओलिविया टू शो हिम सम फेवर, बट ही फाइंड्स दैट ही स्टैंड्स नो चांस अगेंस्ट द ड्यूक हु टू इज ओलिविया स्यूटर। तो सर एंड्रयू जो है उसको ये पता लग जाता है कि ड्यूक जो ओर्सिनो है वो भी उससे प्यार कर रहा होता है, तो उसके आगे उसका कोई चांस नहीं है। व्हेन देयरफॉर सर एंड्रयू टॉक्स ऑफ गोइंग बैक टू हिज कंट्री होम, सर टोबी अश्योर्स हिम दैट ओलिविया डज नॉट केयर फॉर द ड्यूक एट ऑल। अब जब एंड्रयू हार मान के वापस कंट्री में जाने वाला होता है अपनी, तो टोबी उसको फिर से अश्योर करता है कि ओलिविया ड्यूक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है या ड्यूक के प्रति उसका कोई भी केयर नहीं है। इनफैक्ट ही हैड हर्ड हर स्वेरिंग दैट ही वुड नेवर मैरी, और सच तो यह है कि उसने ओलिविया को यह कसम खाते हुए सुना है कि वो आगे से कभी भी शादी नहीं करेगी, मतलब शादी ज़िंदगी में नहीं करेगी, ड्यूक से तो कभी नहीं करेगी। सर टोबी देन अनकरेजेज सर एंड्रयू टू कंटिन्यू स्टेइंग इन द सिटी। तो इस तरह से टोबी जो है फिर एंड्रयू को एनकरेज करता है कि वो शहर में ही रहे। एंड सर एंड्रयू एग्रीज टू स्टे ऑन फॉर ए मंथ मोर, तो उसकी बात मान करके सर एंड्रयू जो है वो एक महीना और रुकने के लिए राजी हो जाते हैं। इनवर्डली सर टोबी नोज दैट ओलिविया वुड नेवर मैरी ए फूल लाइक सर एंड्रयू। अब टोबी को अंदर अंदर तो पता है कि ओलिविया कभी भी एंड्रयू जैसे फूल के साथ शादी नहीं करेगी। बट ही वुड नॉट लाइक दिस प्रोडिगल नाइट टू गो अवे, परंतु वो नहीं चाहता कि ये जो प्रोडिगल नाइट है उसके हाथों से निकल जाए। प्रोडिगल वो आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, तो ये एंड्रयू जो था बहुत खर्चीला था और इसका बड़ा फ़ायदा उठाता था, सर टोबी उसके खर्चे से पीटता था वो। दस सर टोबी ट्रीट सर एंड्रयू एज ए काइंड ऑफ फाइनेंशियर टू स्पेंड मनी ऑन हिज ड्रिंकिंग। तो टोबी सर एंड्रयू को एक फाइनेंशियर की तरह ट्रीट करता था और उसकी कीमत पर वो पीता था। दस सर टोबी ट्रीट सर एंड्रयू एज ए काइंड ऑफ फाइनेंशियर, ये तो हो गया हमारा, बट दैट इज नॉट ऑल, परंतु यही सब कुछ नहीं है। ही ऑल्सो ट्रीट सर एंड्रयू एज हिज बट एंड एज ए वेट स्टोन फॉर हिज विट। तो वो सर एंड्रयू को एज ए बट भी यूज़ करता था। बट का मतलब है कि वो अपने जोक्स का निशाना उस पर रखता था, यानी उसको एक मजाक का पात्र बना देता था। एंड एज ए वेट स्टोन फॉर हिज विट, और अपनी विट को शो करने के लिए उसका यूज़ करता था, यानी वो उसको अपना एक
हथियार चलाने का साधन बना रखा था उसने, यानी अपने मजाक का पत्र वो सर एंड्रयू को बनाता था और अपने नंबर बनाता था। अर्ली इन द प्ले व्हेन सर एंड्रयू बोस्ट्स ऑफ हिज डांसिंग स्किल, सर टॉबी एनकरेजेस हिम टू फील स्टिल मोर प्राउड ऑफ दिस स्किल बाय सेइंग। तो प्ले के शुरू शुरू में एक घटना होती है जब एंड्रयू जो है अपने डांसिंग स्किल पर घमंड करता है, बोस्ट करता है, शेखी मारता है, तो सर टॉबी उसको एनकरेज करते हैं कि और ज़्यादा घमंड करे, और ज़्यादा प्राउड फील करे ये बातें कह करके। Wherefore are these things hid? ये चीज़ें अब तक कहाँ छुपी थी? Wherefore have these gifts a curtain before them? इन चीज़ों पर अब तक पर्दा क्यों पड़ा हुआ था? Are they like to take dust? क्या उनको तुमने डस्ट खाने के लिए रख रखा था? Like mistress Mole's picture, why dost thou not go to church in a galliard and come home in a coranto? My very walk should be a zig. यानी वो उसको उकसाता है कि तुम्हारा तो ये जो स्किल है बहुत ही नायाब है और तुमने अब तक इसको किसी को दिखाया क्यों नहीं? हालांकि इतना अच्छा डांसिंग स्किल नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसको उकसाता है ताकि मजे ले सके इसके। हेयर सर टॉबी इज़ एक्चुअली पॉकिंग फन एट सर एंड्रयू। तो हम देखते हैं कि इस तरह से टॉबी जो है एक्चुअल में सर एंड्रयू का मजाक उड़ा रहा होता है बाई आर्जिंग हिम टू मेक यूज ऑफ हिज डांसिंग स्किल्स एट टाइम टू गो टू चर्च डांसिंग, टू गो कम बैक होम डांसिंग एंड टू डांस इवन वाइल वॉकिंग। तो वो इस तरह से कहता है कि तुम चर्च जाते हो डांस करते जाया करो, घर आते हो तो वापस डांस करते हुए आया करो, चलते हो तब भी डांस किया करो क्योंकि तुम्हारा डांस तो बहुत ही गजब का है। तो मजाक उड़ाता है एक तरह से उसका। एंड देन सर टॉबी गोज ऑन टू से दैट सर एंड्रयूज लेग वॉज शेप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट टॉरस। और आगे टॉबी मजाक उड़ाते हुए ये भी कहता है कि सर एंड्रयू की जो टांग जो है वो टॉरस एक ग्रह है उसके इन्फ्लुएंस के अंदर शेप की गई है, यानी उसके इन्फ्लुएंस के अंदर उसको डाला गया है, भगवान ने ऐसा बनाया है। तो ये भी एक मजाक करने का तरीका है। आफ्टर वार्ड सर टॉबी बिफूल्स सर एंड्रयू बाई अर्जिंग हिम टू राइट ए चैलेंज टू सीजेरियो कॉलिंग अपॉन द यंग फेलो टू फाइट ए ड्यूल विद हिम। आगे सर टॉबी सर एंड्रयू को उकसाता है कि वो सीजेरियो को एक युद्ध के लिए ललकारे, क्योंकि वो सीजेरियो जो था वो एक्चुअल में तो एक लड़की थी लेकिन उसने लड़के का वेश बना रखा था। और सर एंड्रयू ये सोचता था कि उसकी जो प्रेमिका है ओलिविया जो है वो सीजेरियो से प्रेम करती है और सीजेरियो भी ओलिविया से प्रेम करता है, तो वो उसका जो है विरोधी हो गया है, तो उसको युद्ध के लिए ललकारा जाए, ड्यूल होता है युद्ध। देन सर टॉबी इंस्टिगेट सीजेरियो अगेंस्ट सर एंड्रयू एंड ऑल्सो गिव सर एंड्रयू द फॉल्स इंप्रेशन दैट सीजेरियो इज़ ए स्किल्ड फाइटर। तो जो टॉबी जो होता है वो दोनों को उकसाता है लड़ने के लिए, इधर से एंड्रयू को भी उधर से सीजेरियो को भी, और वो सर एंड्रयू को ये भी बताता है कि सीजेरियो जो है एक बहुत ही स्किल्ड वॉरियर है, बहुत ही मंजा हुआ योद्धा है, हालांकि होती वो लड़की है। विद द रिजल्ट दैट सर एंड्रयू वुड वेरी मच लाइक टू विदड्रॉ फ्रॉम द ड्यूल विच ही हैज़ प्रपोज्ड इन हिज चैलेंज। सर टॉबी उसको इसलिए उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलता है सीजेरियो के बारे में कि सर एंड्रयू जो है वो पीछे हट जाए। सीजेरियो बींग नो फाइटर, अब सीजेरियो कोई फाइटर तो होता नहीं है, एंड बींग एक्चुअली वुमन और वास्तव में वुमन होता है इन द डिस्गाइज ऑफ ए मैन फील्स फ्राइटेंड ऑफ सर एंड्रयू चैलेंज। अब सीजेरियो जो है वो डर जाता है, या हम कह सकते हैं डर जाती है क्योंकि वो लड़की होती है, सर एंड्रयू के चैलेंज से, क्योंकि वो लड़ना बिल्कुल नहीं जानती। एंड दस ए वेरी फनी सिचुएशन डेवलप्स, तो बड़ी ही फनी सिचुएशन डेवलप होती है जब हम आगे पढ़ेंगे प्ले को तब आपको पता लगेगा। सर टॉबी मैनिपुलेट्स बोथ सर एंड्रयू एंड सीजेरियो इन सच ए वे एज टू बी फूल बोथ ऑफ देम। तो जो टॉबी है वो दोनों को मूर्ख बनाता है, सीजेरियो को भी और एंड्रयू को भी। एंड ही डज सो फॉर द शियर फन ऑफ इट, दो ही ऑल्सो मैनेजेज टू गेट ए हॉर्स एज इज रिवॉर्ड आउट ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। और वो सिर्फ मजे लेने के लिए करता है लेकिन उसको इनाम भी मिलता है, घोड़ा मिल जाता है। However, he also gets wounded in this affair because he commits the blunder of mistaking Sebastian for Cesario. हालांकि उसको चोट भी पहुँच लगती है इस सारे कामों में क्योंकि वो Sebastian को Cesario समझ लेता है एक जगह। Sebastian हमें जानते हैं उसका भाई था Cesario का, Cesario यानी वायोला। Sir Andrew's genius for coming comic intrigue is as great as that of Maria, if not greater. तो इस पैराग्राफ में पता लगता है किस तरह से वो कॉमिक एंट्री करने का बादशाह है, मास्टर है। तो किस तरह से उसने कॉमिक एंट्री किया, सर एंड्रयू और सीजेरियो को आपस में लड़ाया और एक दूसरे को उकसाया और खुद का फ़ायदा भी खूब उठाया उसने। हिज फर्टाइल विट, नेक्स्ट पॉइंट, सर टॉबी एडेड बाय मारिया एंड फेबियन कॉन्स्टिट्यूट द वेरी सोल ऑफ द कॉमिक पार्ट ऑफ द प्ले। तो कॉमेडी इसमें
मुख्य रूप से सर एंड्रू के हवाले की गई है। उसने काफ़ी कॉमिक दृश्य किए हैं। हिज कंट्रीब्यूशन टू द कॉमेडी हेयर कंसिस्ट पार्टली इन हिज गलिंग ऑफ सर एंड्रू बट लार्जली इन हिज विटी रिमार्क्स। तो एक तो हमने पढ़ लिया कि किस तरह से वो सर एंड्रू को गल करता है यानी मूर्ख बनाता है। दूसरा उसके विटी रिमार्क्स कि वो जो कमेंट करता है वो बड़े ही बुद्धिमानी भरे कमेंट करता है, हाजिर जवाब भी बड़े कमेंट करता है। हिज शाफ्ट्स ऑफ सटायर एंड सरकैज़म और उसके व्यंग्य बाण एंड द गुड नेचर्ड रिटोर्ट्स एज वेल एज व्हेन द मलविलियोस कॉल्स हिम एज हिज कंपेनियन फॉर ड्रिंकिंग मैरी मेकिंग एंड क्रिएटिंग टू मच नॉइस। तो जब उसका मेलवोलियो जो है उसका जब मजाक उड़ाता है कि बहुत ज़्यादा पीता है, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है और बहुत ज़्यादा नॉइस करता है, शोर शराबा भी करता है। इन द लास्ट केस ही क्लिंचेज द होल मैटर बाय सेइंग। तो वो सारा जो मैटर छीन लेता है यानी सारी बात अपने पक्ष में कर लेता है, क्या बोल करके, आर्ट एनी मोर देन ए स्टीवर्ड जस्ट दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस देर शैल बी नो मोर केक्स एंड एले। देन ही एड्स टू द फोर्स ऑफ दिस रिटोरिकल क्वेश्चन बाय सेइंग टू हिम गो सर रब योर चेन विद क्रम्स। When a little later, Sir Andrew says that if Olivia shows no sign of softening towards him, he would quit this place. Sir Toby says to him, "Send for Money Knight if thou hast her not in the end, call me out." तो ये सारी बातें हैं जो कॉमिक इफेक्ट के लिए वो करता है, जिसे हमें उसकी विट को देखने में पता लगता है। इन सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम प्ले पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशंस करेंगे। Sir Toby's comments on Malvolio when the steward is expressing his thoughts and desires in a kind of soliloquy are quite witty, even though Sir Toby is at times feeling deeply annoyed by Malvolio's self-conceit and arrogance. तो Sir Toby जो Malvolio पर जब कमेंट करता है, जब वो स्टीवर्ड के रूप में अपने विचार रखता है सोलिलके में, सोलिलके होता है जब व्यक्ति अकेला खुद से ही बोलता है तो उसको हम सोलिलके बोलते हैं। तो मेलवोलियो का एक सोलिलके है जिसमें वो अपने विचार रखता है, तो सर टोबी के जो कमेंट्स हैं मेलवोलियो के प्रति वो उससे पता लग जाते हैं हमें। और सर टोबी जो है मेलवोलियो की जो सेल्फ कंसीट है, सेल्फ कंसीट का मतलब घमंड है, और एरोगेंस यानी अहंकार है, उस पर भी वो काफ़ी अनॉय फील करता है सर टोबी। इनफैक्ट सर टोबी एंड फेबियन कीप अप ए काइंड ऑफ रनिंग कमेंट्री ऑन मेलवोलियोज रिमार्क टू हिमसेल्फ। Fire and brimstone, bolts and shackles, out scab, merry hang thee broke. Such are the phrases employed by Sir Toby to express his reactions to Malvolio's soliloquy. Sir Toby feels so pleased with Maria's plan that he says, "I could marry this wench for this device," and he does it. In fact, marry her afterward. ये सारे dialogues हैं, इनकी study हम आगे कर लेंगे। आप एक दो थोड़े बहुत dialogue जो हैं वो इस तरह से थोड़े बहुत example के रूप में आप याद रख लीजिएगा। Okay students, तो ये हमारा character sketch था सर टोबी का। तो काफ़ी चार करेक्टर एनालिसिस हमने कर चुके हैं अब तक, और चारों करेक्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो करेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन हैं ना सिर्फ आपके इस क्वेश्चन में काम आएंगे कि करेक्टर स्केच बताइए, बल्कि जब आप प्ले की थीम बताओगे, प्ले के मुख्य पात्रों के बारे में बताना पड़ जाए, या प्ले का क्रिटिकल अप्रिशिएशन करना पड़ जाए, या कोई और प्ले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें भी आप चारों पात्रों का परिचय दे सकते हैं। तो इन चारों क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, गुड बाय।